वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे उपवास में खाने के लिए राजगिरे के आटे का शीरा यानी कि हलवा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूले। आज हम राजगिरे के आटे का शीरा बनाने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। तो मैंने कटोरी का माप एक ही रखा है और मैंने पौनी कटोरी राजगिरे का आटा लिया है और पौनी कटोरी मैंने आटा लिया है तो मैंने एक कटोरी पानी लिया है। पानी को हमें गर्म करके यूज़ करना है और जितना मैंने आटा लिया है उससे आधा मैंने घी लिया है और शक्कर भी मैंने जितना आटा लिया है उससे आधी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और थोड़े मैंने काजू के टुकड़े लिए हैं। तो शुरू करते हैं हलवा बनाना यानी कि शीरा बनाना। तो मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी को अच्छे से गरम करना है, बाद में ही हमें आटा डालना है। घी अच्छे से गरम हो चुका है तो मैंने आटा इसमें डाल दिया है और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो फ्लेम पे ही हमें शीरे को सेकना है। करीब 5 से 6 मिनट में ये सेक के तैयार हो जाएगा। जिस हिसाब से आटे की क्वांटिटी होती है उस हिसाब से टाइम लगता है। ये आटा थोड़ा ही है तो मतलब थोड़ी ही देर लगेगी। 5 से 6 मिनट में ये आटा अच्छे से भून जाएगा। स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है और कंटिन्यूस भूनना है, वरना नीचे से ये चिपक जाएगा। और मैंने एक तरफ जो पानी लिया है वो इसे गर्म करने के लिए भी रख दिया है। हमें इसमें गर्म पानी ही ऐड करना है जिससे शीरे का यानी कि हलवा का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरह से हमें अच्छे से भूनते रहना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने रखी है। ये शीरे में यानी कि ये हलवा में घी ज्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि बनने के बाद ये ऊपर आ जाता है, अंदर आटे में अंदर नहीं पीता है, इसलिए हमें घी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही ली है। और आपको अगर जन्माष्टमी पे भगवान को भोग लगाने के लिए ये शीरा यानी कि हलवा चाहिए तो आप इसमें पानी की जगह दूध का उपयोग करके ये हलवा बना सकते हो। ये बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो अभी हमारा आटा काफ़ी भून चुका है। अब जैसे ही ये अच्छे से भून जाएगा तो बिल्कुल इस तरह से हल्का हो जाएगा, आप देख सकते हो। अभी एक आध मिनट और लगेगी और हमारा आटा अच्छे से भून चुका है, अच्छे से स्मेल आने लगती है और बिल्कुल भी हल्का हो जाता है। तभी हमें पता चल जाता है कि हमारा आटा अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैं इसमें जो मैंने पानी गर्म किया है वो भी ऐड कर लूँगी। आटा अच्छे से भून जाए बाद में ही हमें पानी ऐड करना है। और गैस की फ्लेम मैंने अभी भी स्लो ही रखी है। पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए बाद में मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी को हमें बाद में ही डालना है और पानी डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूस इस तरह से हिलाना है। पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि पानी भी गर्म है और आटा भी गर्म है। तो अभी पानी एब्जॉर्ब हो चुका है तो मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है। चीनी डालने के बाद करीब 2 मिनट में ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। चीनी डालने के बाद भी हमें इस तरह से इसे हिलाते रहेंगे जिससे चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत ही बढ़िया बना है ये शीरा। फटाफट बन जाता है और हम फास्ट में ये खा सकते हैं। नवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे, एकादशी पे ये शीरा हम बना के खा सकते हैं। शीरा अच्छे से रेडी हो गया है तो अभी मैं गैस बंद कर लूँगी और इसे सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। शीरा तैयार हो चुका है तो मैंने सर्विंग बाउल में ले लिया है और ऊपर से मैं थोड़े काजू के टुकड़े गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ। तो तैयार है हमारे राजगिरे के आटे का शीरा। ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और ये फटाफट बन जाता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।